क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज आर नॉट चेंज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। पहले आंसर का फर्स्ट लाइन लिखो, द फॉलोइंग आर द गिविन रीजन्स फॉर द आंसर्स। तो पहले रेशियो कैसे बनता है, जो अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका फॉर्मूला अगर लिख दोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आपके दिमाग में जनरेट होता रहेगा। तो सबसे पहला आइडिया है, आपका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो दैट इज कैपिटल नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। पहला ट्रांजेक्शन देखो, परचेज ऑफ अ मशीनरी वर्थ 10 लाख बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये पूरा रेशियो में ध्यान दो, इक्विटी शेयर इश्यू करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा और मशीनरी यानी फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा, बट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। अगर डेनोमिनेटर बढ़ जाएगा 10 लाख तो रेशियो घट जाएगा। कोई भी परसेंटेज कैलकुलेशन करने के टाइम पे, रेशियो कैलकुलेट करने के टाइम पे न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट है, डेनोमिनेटर बढ़ गया तो रेशियो बढ़ेगा, रेशियो घटेगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, वन परचेज ऑफ अ मशीनरी वर्थ रुपीज 10 लाख बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, दिस ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द डेनोमिनेटर ऑफ द रेशियो। आज वी आर इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इन द रेशियो। तो इसका मतलब क्या है, ना नेट प्रॉफिट में कोई बदलाव नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख बढ़ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कॉन्स्टेंट है तो रेशियो घट जाएगा। इसका आंसर यही होगा, देयर फोर डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन विल इंक्रीज व्हिच अल्टरनेटिवली डिक्रीज द रेशियो। सेकेंड, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000 ऑन मशीनरी। सेकेंड होता है चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 25,000 ऑन मशीनरी, ये होता है द नेट प्रॉफिट इन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन विल डिक्रीज ड्यू टू डेप्रिसिएशन चार्ज, दिस विल बी नो इफेक्ट ऑन द डेनोमिनेटर, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द डेनोमिनेटर। इसका मतलब यही हुआ कि हमारा डेप्रिसिएशन का खर्चा होता है, मशीन का वैल्यू गिर गया तो हमारा प्रॉफिट भी 25,000 कम हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में कम होगा और टोटल एसेट में 25,000 भी कम होगा, बट कैपिटल एम्प्लॉयड पोर्शन में कुछ नहीं होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी डेनोमिनेटर कॉन्स्टेंट है, न्यूमरेटर 25,000 घट गया तो रेशियो घट जाएगा। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे ना, ऐसे देयरफॉर ड्यू टू ओनली डिक्रीज इन द न्यूमरेटर द रेशियो विल डिक्रीज, दिस इज द आंसर। अगर थर्ड पोर्शन है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय चेक रुपीज 2 लाख, हमने डिवेंचर रिडम्पशन कर दिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड घट गया, 2 लाख नीचे कम हो गया तो रेशियो बढ़ जाएगा। कैसे, थर्ड रिडम्पशन ऑफ अ डिवेंचर बाय चेक ऑफ रुपीज 2 लाख विल रिड्यूस कैपिटल एम्प्लॉयड और डेनोमिनेटर ऑफ द रेशियो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट और द ऑन न्यूमरेटर, इट इज नेट प्रॉफिट और न्यूमरेटर करो, दिस इज नॉट ऑन न्यूमरेटर और नेट प्रॉफिट ऑन न्यूमरेटर, there will be no effect on the net profit or numerator, क्योंकि हमारा जो redemption हो रहा है debenture, ये capital employed का हिस्सा है, capital employed का एक part होता है debentures, ये 2 लाख denominator कम हो जाएगा तो ratio बढ़ेगा। तो answer है ऐसे, therefore denominator of the fraction will decrease which alternatively increase the ratio। third is also आपके answer check करो, ये increase है, ये इतने आसानी से नहीं होगा, जब तक वो थ्योरी अच्छी तरह करोगे नहीं तब तक नहीं होगा। कन्वर्सन ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 1 लाख इनटू इक्विटी शेयर्स, 9% डिवेंचर को हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, जो कैपिटल एम्प्लॉयड ना वो होता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, तो डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन में होता है और शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर होता है, तो डिवेंचर को हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया या इक्विटी शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया, बात एक ही होता है। यहाँ पे डिवेंचर को हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई बदलाव नहीं है, 1 लाख डिवेंचर गया, 1 लाख इक्विटी शेयर आया, एक घटा डिवेंचर 1 लाख डिवेंचर और 1 लाख इक्विटी शेयर बढ़ गया।
तो इसमें देर विल बी नो चेंज, कैपिटल एम्प्लॉयड स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम और ऊपर नेट प्रॉफिट में कोई बदलाव नहीं है इसकी वजह से। तो फोर्थ वन पढ़ो, कन्वर्सन अपॉन 9% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 1 लाख इंटू इक्विटी शेयर्स, द कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर्स इंटू इक्विटी शेयर्स विल नॉट चेंज द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशियो, देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन रेशियो, एंड दिस इज द फाइनल आंसर।